लघुजन सिद्धांत प्रवेश का अपनी चल रही है और इसमें बहुत सारे प्रश्न और उनके उत्तर अपने हो चुके हैं। 91 तक हो गए। आज अपन को चर्चा करना है प्रश्न नंबर 92-93। इसके आगे भी बढ़ेंगे, मुख्यतः से दो पर ही अपनी अभी चर्चा अपन कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 92 है, सम्यक अथवा ब्रैकेट में लिखा है श्रद्धा गुण किसे कहते हैं। सम्यक तो कहो अथवा ब्रैकेट में लिख दिया, श्रद्धा गुण किसे कहते हैं। इसका उत्तर देखते हैं, जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास माने यथार्थ प्रतीति हो तथा सच्चे देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था, जीवादि सात तत्वों की सच्ची प्रतीति, स्वपर का श्रद्धान एवं आत्मश्रद्धान, इन लक्षणों के अविनाभाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। ब्रैकेट में और भी लिखा है, इस पर्याय का धारक सम्यक गुण है, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन उसकी क्रमशः स्वभाव और विभाव पर्याय हैं। थोड़ा सा बड़ा उत्तर है, धीरे धीरे अपन फिर से पढ़ेंगे एक बार और हर एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा, जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर, गुण तो कितने हैं जीव के अंदर, अनंत हैं, और यहां बात चल रही है जिस गुण की निर्मल दशा। निर्मल दशा का मतलब, निर्मल दशा का मतलब शुद्ध दशा, ठीक है, स्वच्छ स्पष्ट शुद्ध दशा, वो निर्मल दशा है। तो जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास हो, माने अपने आत्मा का प्रतिभास हो, स्वशुद्धात्मा माने निज शुद्धात्मा का प्रतिभास हो। ब्रैकेट में लिखा यथार्थ प्रतीति, यथार्थ निर्णय हो, एक पॉइंट हुआ ये, ठीक है प्रियांश। पहला पॉइंट कौन सा, कि जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर, ये अपन एक तरफ रखें, जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर, निर्मल दशा कहें शुद्ध दशा कहें सम्यक दशा कहें, ठीक है सब एक ही बात है, प्रकट होने पर होना क्या है इधर रिजल्ट, स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास अथवा प्रतीति हो। जिस गुण की कौन सी दशा, निर्मल दशा प्रकट होगी तो यहां क्या होगा, स्वशुद्धात्मा की का प्रतिभास होगा, यथार्थ प्रतीति होगी, और क्या होगा, सच्चे देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था होगी। एक तरफ तो ये पॉइंट कॉमन है, कौन सा कॉमन है, निर्मल दशा प्रकट होना, जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होगी तो यहां एक काम कौन सा हुआ, स्वशुद्धात्मा की यथार्थ प्रतीति, है ना, प्रतिभास
अश्व यथार्थ प्रतीति। दूसरा काम क्या हुआ, देवगुरु धर्म में दृढ़ आस्था। अपन सरल भाषा में जो प्रसिद्ध है, देव शास्त्र गुरु का यथार्थ निर्णय, वही भी काम हो जाता है। उसमें दृढ़ आस्था हो जाती है कि ये ही सच्चे देव हैं, इसके अलावा अन्य कोई देव नहीं। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे ही सच्चे देव हैं। शास्त्र कौन है अथवा धर्म कौन है जो वीतरागता का पोषक हो, और गुरु कौन है जो उसको बताते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। तो उनमें क्या हो, दृढ़ आस्था, दृढ़ विश्वास हो कि यही हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं और इनके प्रति ही हमारा समर्पण होगा, इनके प्रति ही, इनके सामने ही हमारा मस्तक झुकेगा, अन्यत्र कहीं पर नहीं। दो काम हो गए। तीसरा काम कौन सा, जीवादि सात तत्वों की सच्ची प्रतीति। बैठ जाओ। तीसरा काम कौन सा हुआ, सात तत्वों की सच्ची प्रतीति। तीन काम हो गए। इधर एक काम, इधर कौन सा हुआ था, निर्मल दशा। किसकी निर्मल दशा, अपने स्वशुद्धात्मा की, नहीं, जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर। यहाँ एक स्वशुद्धात्मा की यथार्थ प्रतीति हुई, दूसरा देव शास्त्र गुरु अथवा देव धर्म गुरु में यथार्थ क्या हुआ, दृढ़ आस्था हुई। तीसरा काम सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति, सच्ची प्रतीति हुई। तीन हो गए। चौथा काम कौन सा, स्वपर का श्रद्धान। चौथा कौन सा, स्वपर का श्रद्धान। स्व माने आत्मा का, और आत्मा के अलावा जो भी है सब पर हैं, तो दोनों का यथार्थ श्रद्धान। चार काम हो गए। पांचवा, एवं आत्म श्रद्धान। किसका श्रद्धान, आत्म श्रद्धान। देखा जाए तो ये वाला पॉइंट सबसे फर्स्ट नंबर पे आ गया था, स्वशुद्ध आत्मा का प्रतिभास। वो और एक ही बात है, लेकिन अपन फिर भी मान लो पांच पॉइंट से बात करें तो पांचों पॉइंट हो जाते हैं। क्या होने पर ये पांचों पॉइंट होते हैं, जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर। अब जिस गुण माने कौन सा गुण, नहीं नहीं, जिस गुण माने कौन सा गुण अभी आएगा, है ना। तो जिस गुण की निर्मल दशा होने पर, यहां पांच काम हो गए अतिशय। कौन से पांच काम, पहला स्वशुद्धात्मा की यथार्थ प्रतीति, नंबर दो देवगुरु धर्म का में दृढ़ आस्था, तीसरा काम जीवादि सात तत्वों की सच्ची प्रतीति, नंबर चार स्व और पर का श्रद्धान होना, पांचवा आत्मश्रद्धान। ये सारे काम हो जाएं, क्या होने पर, जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर, ये पांच काम हो जाएं। इसके अनुसार अपन पांच देख रहे हैं, वैसे तो चार ही घटित करते हैं, वो स्वशुद्ध आत्मा की प्रतीति, वो आत्मश्रद्धान, एक ही बात है। यहां बता रहे हैं इन लक्षणों के अविनाभाव सहित। अविनाभाव सहित का मतलब, अविनाभाव का मतलब जानते हो क्या होता है, होने पर होना। क्या बोले, होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना। विस्तार से तो अपन परीक्षा मुख में आप लोग देखेंगे, न्याय के विषय में पढ़ लिया, चलो अच्छी बात है, है ना। लेकिन अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। यहां तो होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, माने जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर ये सारे पांचों काम होंगे, इसके होने पर इन पांचों का होना, ठीक है। इन लक्षणों के अविनाभाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। श्रद्धान,
श्रद्धान का मतलब दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रतीति, निर्णय, ठीक है। हाँ ठीक, उसको क्या कहा, निश्चय सम्यक दर्शन है। देखो यहां पर सीधा जो ऊपर प्रश्न पूछा था कि सम्यक अथवा श्रद्धा गुण किससे कहते हैं, यदि एकदम अपनी जनरल भाषा में समझें तो जिसमें निर्णय होता है, जिसमें दृढ़ता होती है, उसे कहते हैं श्रद्धा गुण। आस्था कह दो, श्रद्धा कह दो, निर्णय कह दो, प्रतीति कह दो, ये सब कुछ एक ही बात है। ये सारे काम किसमें होते हैं, जिसमें होते हैं उसे श्रद्धा गुण कहते हैं। क्या क्या होते हैं, दृढ़ता, प्रतीति, निर्णय, आस्था, ये सारी चीजें जहां पर होती हों, जिसमें होती हों, जिस गुण में होती हों, उस गुण को कहते हैं श्रद्धा गुण। अपन ने ऐसा नहीं देखा कि अपन को भी जब अपन किसी व्यक्ति को पहली बार जानते हैं तो अपन उस पर एकदम जल्दी भरोसा नहीं करते। एक बार जाना, दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार जानने के बाद फिर हमें इतना अटल विश्वास हो जाता है कि तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, बस पक्का निर्णय हो गया। तो ये पक्का जो निर्णय हुआ, दृढ़ आस्था हुई, ये कौन सा गुण करता है, श्रद्धा गुण करता है। कौन सा गुण करता है, श्रद्धा गुण करता है। जैसे पहली बार समझ लो आप लोग जब आए थे, एडमिशन लिया, स्कूल गए, स्कूल गए तो बहुत सारे टीचर थे, सब अपन को एक समान दिखाई देते थे, ये संस्कृत के हैं, ये हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, जैन दर्शन के हैं, सब ठीक है। अपन को तो पहली बार मिले तो कौन अपना कौन पराया क्या मतलब है। लेकिन कुछ दिनों में हमें निर्णय होने लग जाता है। क्या निर्णय, ये सर कैसे हैं, ये अच्छे हैं कि अच्छे नहीं हैं, ये कम अच्छे हैं, ये ज़्यादा अच्छे हैं, ये अपने हैं, ये पराए हैं, ये सारा निर्णय होता कि नहीं। आंख बंद करके फिर भरोसा करते हैं, करते कि नहीं करते, बिल्कुल पक्का निर्णय हो जाता है कि ये अपने हैं, ये हमारा हित चाहते हैं, तो उन पर एकदम भरोसा बन जाता है। ये जो भरोसा हुआ, जो दृढ़ता आई, जो निर्णय हुआ, यथार्थ प्रतीति हुई, जो आस्था हुई, ये कौन से गुण का काम है, श्रद्धा गुण का काम है। ठीक है, अभी हमें किस पर दृढ़ता है, इन जो चार पांच पॉइंट बताए इनमें से किस पर दृढ़ता है, पक्का। एक तो स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास, ये है क्या, एक देव गुरु धर्म पर दृढ़ आस्था, जीवादि सात तत्वों की सच्ची प्रतीति, स्वपर का श्रद्धान, आत्मश्रद्धान, किस पर। वास्तव में देखें तो एक होने पर सब एक साथ होते हैं, एक होने पर सब एक साथ होते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जब आप लोग पढ़ेंगे, थोड़े और कक्षाओं में आएंगे जब, तो वहां पर पंडित टोडरमल जी ने इन सभी लक्षणों का समन्वय किया है कि जहां एक लक्षण है वहां सब हैं, और जहां एक नहीं वहां कोई नहीं। माने सात तत्वों का श्रद्धान है तो उसमें देव सास गुरु का श्रद्धान भी गर्भित है, उसमें स्वपर भेद विज्ञान भी है, आत्म श्रद्धान भी है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर अभी हम अपनी वर्तमान कंडीशन देखें तो इनमें से किस पर श्रद्धा है, निर्णय है हमारा,
आत्मश्रद्धान है क्या कि शरीर श्रद्धान है? ना तो आत्मश्रद्धान है ना शरीर श्रद्धान है। एक का भी श्रद्धान हो जाए तो दूसरे का हो जाए, लेकिन शरीर और आत्मा दोनों एक हैं ऐसा जरूर श्रद्धान है। तो ये कौन सा श्रद्धान हुआ? मिथ्या श्रद्धान। और दोनों भिन्न भिन्न हैं ऐसा श्रद्धान होना, ऐसा निर्णय होना, ऐसी प्रतीति होना, ये कौन सा श्रद्धान है? सम्यक श्रद्धान है। ठीक है, तो यहां कितनी बात बताई थी कि है ना, पांच पॉइंट कहें अथवा चार कहें कि जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर, ये निर्मल दशा किसकी प्रकट हो रही है? श्रद्धा गुण की। श्रद्धा गुण की दो दशाएं हैं, निर्मल दशा और मिथ्या दशा। कौन कौन सी अर्पित? मिथ्या दशा और निर्मल दशा। मिथ्या दशा होगी तो यह जीव क्या मानेगा? शरीर और आत्मा एक हैं, देव शास्त्र गुरु पर भरोसा नहीं, सात तत्वों का ठिकाना नहीं, देव धर्म गुरु क्या कुछ नहीं पता, स्वपर भेद विज्ञान का कोई भेद नहीं, दोनों अभेद विज्ञान होता है। कौन सा? स्वपर का क्या होता है? भेद विज्ञान नहीं होता बल्कि अभेद विज्ञान होता है। आत्मा की कोई खबर नहीं है। ये सब कब होता है? श्रद्धा गुण का क्या जब क्या हो? मिथ्या रूप परिणमे, मिथ्या निर्णय हो, तब ये सारी दशाएं होंगी। और श्रद्धा गुण यदि सम्यक रूप से परिणमन करे, उसकी निर्मल दशा प्रकट होगी, तो ये सारी चीजें सच्ची रूप में निर्णय में आ जाएंगी। ठीक है सागर, आंखें भारी भारी हो रही तुम्हारी, नींद थोड़ी आ रही? अच्छा चलो, ये हो गया। हमें इतना ध्यान रखना है, ऐसा गुण जो पूरी की पूरी तरह से समर्पित होता है, इसलिए शास्त्र ऐसा भी कहते हैं जो श्रद्धा गुण है वो अंधी है। श्रद्धा गुण अंधा है, एक तरह से श्रद्धा अंधी होती है। कैसे अंधी? एक बार समर्पित हो जाए तो फिर फाइनल। ऐसा नहीं होता हमें किसी व्यक्ति पर श्रद्धा हो जाए कि बिल्कुल ये अच्छे हैं, तो यदि कोई कहे नहीं नहीं वो खराब हैं, तो भी हमें भरोसा नहीं होता। हमें किसी पर निर्णय हो जाए, अब किसी का नाम नहीं ले रहे, मान लो कोई अच्छे विद्वान हैं, पंडित हैं, शास्त्री हैं, पुराने सीनियर हैं, अच्छे प्रवचनकार हों, विधानाचारी हों, जो भी हों, हमें उनसे हम कई बार मिल चुके, अच्छे से जानते हैं, परिचित हैं, बहुत हमारा घनिष्ठतम है। अब कोई कह रहे वे उधर कल दारू भी रहते हैं, वे तो रोज सिगरेट फूंकते हैं, भरोसा करोगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा श्रद्धान बिल्कुल उन पे पक्का है। अरे जो गुटखा तो बहुत दूर, बाजार का कुछ खाना पीना तो बहुत दूर, घर में ही जो खाते हैं उसमें भी बहुत शुद्धि से भोजन लेते हैं, बिल्कुल हर प्रकार की जो शुद्धि का पालन करते हैं, और उनके बारे में कह रहे हो सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे, संभव ही नहीं, असंभव जैसी बात है। ऐसा एक बार श्रद्धान पक्का हो जाना चाहिए। ऐसे यहां पर भी एक बार यथार्थ श्रद्धान हो गया, यथार्थ निर्णय हो गया, यथार्थ प्रतीति हो गई, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक प्रकट हो जाती हैं, तो वह श्रद्धान हमारा सम्यक श्रद्धान कहलाता है। और यदि शरीर आत्मा को एक मानने वाला हो, सात तत्वों में विपरीत श्रद्धान करने वाला हो, तो वह निर्णय हमारा मिथ्या कहलाएगा। वह श्रद्धान मिथ्या होने से मिथ्या दर्शन कहलाए, और श्रद्धान सम्यक होने से सम्यक दर्शन कहलाए। ठीक है, हो गए
पॉइंट सभी याद। यहाँ एक तरफ क्या रखना है, हाँ श्रद्धा गुण, उसमें भी कौन सा, जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट, तो निर्मल दशा किस गुण की, श्रद्धा गुण की, श्रद्धा गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर ये काम हो जाते हैं, कितने, पांच चार जो भी कहो, स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास, दूसरा देवगुरु धर्म का यथार्थ उस पर आस्था, सात तत्वों का यथार्थ प्रतीति निर्णय कहो जो भी, और स्वपर का भेद विज्ञान श्रद्धान और आत्मश्रद्धा, ये सारी चीजें हो जाती हैं तब इस जीव के सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और अगली परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा, जैन किसे कहते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से लोक में या दुनिया में जैन की जो परिभाषा है, क्या है जैन की परिभाषा, ये तो छोड़ दो, ये तो बालबोध में पढ़ ली परिभाषा, जो जन्म ले लिया ना जैन के घर में तो वो क्या हो गया, जैन हो गया। बोलो अपन सब जैन है कि नहीं, सब जैन है, कैसे जैन है, जैन के घर में जन्म ले लिया इसलिए सब जैन, एक तो ये परिभाषा जो लोक में ही प्रसिद्ध है ना। अब वो क्या जाने देवशास्त्र गुरु और एक जिन का भक्त और कुछ नहीं जानता, शुरू से बचपन से ही क्या है उसका, यदि बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा तो उसमें क्या लिख दिया जाएगा, जैन। वो खुद ही नहीं जानता कि जैन क्या होता है। बोलो, छोटा सा बच्चा हो ये सिद्धम है, वो क्या जाने के मैं जैन हूं क्या होता है, लेकिन फिर भी क्या लिख दिया बर्थ सर्टिफिकेट में, जैन, अभी जैन लिख दिया। तो ये भी एक जैन होते हैं, एक प्रकार के जैन ये हैं। दूसरे प्रकार के जैन कौन हैं, नहीं नहीं एक सामान्य तो तीन परिभाषा दी ना, एक महावीर कहे गए सभी से जैनी वो कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाएगा, तीन ये लक्षण बताए हैं होने को। बीच में और भी बहुत वैरायटी बनती है, अपन ज्यादा ना डिटेलिंग करेंगे, दिन में भोजन छान के पानी और नित्य जनालय, माने दिन में भोजन करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग, पानी भी छान के पिए दो, और तीसरा नित्य जनालय, रोज भगवान के दर्शन करें। ये तीन काम यदि वह कर रहा है इसका मतलब वह जैन है, जैनी वो कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाएगा। तो एक जैन तो ये हो गए, और कौन से जैन, जिनका भक्त सो जैन, जिन आज्ञा को माने सो जैन, ये भी अपन ने पढ़ी, और जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले सो जैन। एक एक में हर एक में स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। ठीक है, पहले में तो ऐसा था कि जन्म ले लिया कोई पता ठिकाना नहीं, लेकिन उसको भी जैन कह देते हैं, असली में देखा जाए जो जैन की परिभाषा यहां रही है तो वो तो जैन है ही नहीं इस परिभाषा के अनुसार, लेकिन लोक में कहते हैं। दूसरा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय, इसको भी जैन कह देते हैं सामान्य रूप से, लेकिन ये भी वास्तविक जैन नहीं है जो यहां बताने वाले हैं। चलो ठीक है, उसको भी अपन जैन कह दें। तीसरी जो अपन ने बालबोध वगैरह में परिभाषा पढ़ी, जिनका भक्त सो जैन, जिन आज्ञा को माने सो जैन, और जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए मार्ग पर चले सो जैन, होने को उसकी गहराई में ये जैन शामिल है, लेकिन वो भी सामान्य रूप से इतना कह दिया कि जिनका भक्त, जिनके भक्त अपन है, जिन भगवान की आज्ञा को मानते हैं, सामान्यतः पूरी तो नहीं मानता कोई, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो मानते हैं, और उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतना बहुत कुछ त्याग भी कर दिया और धार्मिक क्रियाएं भी कर लेते हैं, इसलिए जैन कहलाते हैं। अब यहां और गहरी वाली परिभाषा है जैन की,
कि जैन कौन, अब देखें यहां पर मैं पूरा पढ़ता हूं, देखा जाए तो पूरा पढ़ के उत्तर बिल्कुल एक ही लाइन में है और एक ही शब्द में कहें, ठीक है, क्या है, निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व राग द्वेषादि को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रकट की है वही जैन है। सीधी सरल भाषा में जो सम्यक दृष्टि है वह जैन है, बस, ठीक है। संयम क्या बोले, कौन है जैन? जो सम्यक दृष्टि है वो जैन, बस। सम्यक दर्शन के पहले कोई जैन ही नहीं होता। अब बोलो, ये परिभाषा सरल है कि दूसरी परिभाषा सरल है? हमें कौन सा वाला जैन बनना है? बनना तो असली ये है ना, बाकी तो हम मुफ्त में फ्री फोकट में बन गए, कुछ नहीं किया। यद्यपि होने को कुछ नहीं किया ये भी नहीं कह सकते, पूर्व में इतना पुण्य किया होगा कि अन्य जातियों में ना जन्म लेकर सीधा जैन कुल में उत्पन्न हो गए, तो ये भी बहुत बड़ा काम है, नहीं तो कहाँ होते, कौन होते, क्या पता कहाँ कौन से जगह जन्म, किसी देश में जन्म ले लेते तो वहाँ सब नॉन वेज ही खा रहे होते, मुस्लिम के यहाँ जन्म ले लिए होते तो बकरे की बलि चढ़ा रहे होते, और भी कहीं मतलब किस किस के क्या क्या कहें अलग अलग, तो कितने पापी होते, कई जगह ऐसी जगह जन्म ले लेते होते कि जिनके घर में सारे के सारे लोग दारू शराब पीते हैं, तो सब पी रहे होते, बीड़ी सिगरेट फूंक रहे होते, होने को तो जैन भी कम नहीं है, ऐसे जैन भी मिल जाएंगे कि बीड़ी सिगरेट पीने वाले होंगे कोई कोई। अब तो ठीक है, किसी के बारे में अपन किसी के क्षेत्र में क्या कहें, लेकिन होने वाले ऐसे ही मिल सकते हैं, लेकिन अपन तो ये सोचें कि अपन उन सब में से भी ऐसे हटके जैन कि सारी बुरी आदतों से बिल्कुल दूर हो गए, ये भी तो हमारा पुराना पुण्य का है प्रभाव, कितना लाभ मिल गया। लेकिन इससे और हमें एक एक अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जाना है कि सम्यक दृष्टि हो जाए तो ही असली जैन कहलाएं, उसके पहले तो हम जैन ही नहीं हैं। तो भाषा इसमें भले ही कठिन लिखी हो, सरल भाषा तो इतनी है, बस। देखो फिर से पढ़ते हैं, निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से, आश्रय किसका? निःशुद्धात्म द्रव्य का आश्रय, क्या क्या हो गया, किस किस को जीत लिया, मिथ्यात्व राग द्वेष आदि को जीतने वाली, इन दोनों को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रकट की है वही जैन है। माने सीधी सरल भाषा में जो सम्यक दृष्टि है वही जैन है। मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जो जितने अंश में राग आदि का नाश करता है वह उतने अंश में जैन है। ये और कठिन परिभाषा हो गई। क्या कठिन परिभाषा हो गई? पहली परिभाषा में तो जो सम्यक दृष्टि है वह जैन है, इसका मतलब चौथे गुण स्थान में है वो जैन है। अभी जो एक और परिभाषा बताई, आप लोगों को जितनी समझ में आ जाए कोशिश करना, कि मिथ्यात्व के नाश पूर्वक, ये तो हो गया चौथे गुण स्थान वाला जैन, जो जितने अंश में राग आदि का नाश करता है वह उतने अंश में जैन है। माने मुनिराज भी हो जाए ना, तो मुनिराज ने जितना राग का नाश किया वो उतने अंश में जैन है, जितने अंश में राग है उतने अंश में वो अजैन है। कौन? मुनिराज भी, छठवें सातवें गुण स्थान वाले भी। माने इस परिभाषा से तो यही सिद्ध हो रहा है, जब तक राग है तब तक अजैन, जब तक राग है तब तक अजैन, और जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में जैन, और पूरा राग खत्म, पूर्ण वितरागी हो गए तो फिर सही एकदम पक्के जैन, पूरा राग खत्म हो गया तो जैन, ठीक है। तो ये कहां हुआ खत्म पता है किसी को? ग्यारहवें बारे में गया समझो, और फिर राग खत्म हो गया, द्वेष खत्म हो गया, और उसके और आगे बढ़ के राग द्वेष भी खत्म हो गया, वितरागी भी हो गए,
और वीतरागता के साथ सर्वज्ञता भी प्रकट हो जाए 13वें गुण स्थान में, तो क्या हो जाएंगे? वो जिनेन्द्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जैन। 12वें तक जैन, 11वें 12वें वाले जैन, और उसके ऊपर जिनेन्द्र हो गए। ठीक है, जैन जिनेन्द्र हो गए, ये जैन और उज्जैनेन्द्र। तो मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जो जितने अंश में रागादि का नाश करता है वह उतने अंश में जैन है। वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से होता है, यह चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होता है। माने जैन की शुरुआत होगी चौथे गुण स्थान से, और आगे आगे जितना जितना राग का भाव होता चला जाएगा वह उतने उतने अंशों में और अच्छा और सच्चा जैन बनता चला जाएगा, और धीरे धीरे जैन से कहाँ तक? जिनेन्द्र तक हमें पहुंचना है। ठीक है, इतनी दो परिभाषाएं अपन ने पढ़ी। अब अगला प्रकरण अपना चारित्र का है, इसलिए चारित्र की चर्चा अपन अगली कक्षा में करते हैं, अभी यहां पर ही विराम लेते हैं।